मौत का फल। बहुत समय पहले की बात है, शादीपुर ग्राम में सुल्ताना और जग्गू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी सारी जमीन जमींदार ने कर्ज के बदले में जब्त कर ली थी, उनका घर बार छीन लिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उदास होकर वे एक दिन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे अपने अपने भाग्य को रो रहे थे। उसी समय एक लालाजी आम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में आकर विश्राम करने के लिए बैठे ही थे कि एक पका हुआ आम उनके करीब आकर गिरा। उस पीले और पके हुए आम को देखकर लालाजी के मुंह में पानी आ गया और लालाजी ने आम को उठाया और बड़े आनंद से चूसने लगे। जैसे जैसे आम का रस उनके पेट में जा रहा था, वैसे वैसे उन पर बेहोशी छाती जा रही थी। थोड़ी देर में वो जमीन पर चित पड़ गए। सुल्ताना और जग्गू लालाजी की हालत देखकर उनके करीब आए। सुल्ताना ने लालाजी की तलाशी ली तो उसे सोने की मोहरे मिली। दोस्त, अपना तो धंधा हो गया, लाला तो अपनी मौत मरा है, उसे हमने तो नहीं मारा। अब मरे हुए लाला के पॉकेट में जो भी माल है वो तो सब अपना ही होगा। हाँ दोस्त, तभी तो ऊपर वाले ने रहम खाकर इसे मरने के लिए यहाँ पर भेजा है। बस उसी दिन से वे दोनों ठग बन गए। लेकिन वे किसी को लूटते नहीं थे, मारते नहीं थे। बस कोई आम खाकर बेहोश हो जाता अथवा मर जाता तो उसे लूट लेते थे। अब हर दिन उन दोनों में से कोई उस ओर आम के पेड़ पर चढ़कर दूर तक रास्ते को देखता रहता था और किसी को पास आता देखकर दूसरे को सूचित कर देता था। एक दिन जग्गू पेड़ पर से रास्ते से दो सेठों को आते देखता है तो नीचे आकर सुल्ताना को सूचित करता है। भैया, आज तो दो सेठ इधर आ रहे हैं। दो सेठ हमारे लिए तो दिन में तो एक ही सेठ ही बहुत था, ये तो दो हैं। चलो भैया, आज तैयार हो जाओ, लगता है आज हमारे हाथ बहुत माल लगने वाला है। ऐसा कहकर सुल्ताना और जग्गू पास में ही एक पेड़ के पीछे छुप गए और दोनों सेठों को देखने लगे। अरे देखो तो कैसे पके हुए आम हैं। अरे भैया, ऐसे आम तो मैंने पहली बार देखे, चलो इन्हें तोड़कर खाते हैं। ऐसा सोच दोनों सेठ आमों को तोड़कर एकत्र करने में जुट गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने आमों का बड़ा सा ढेर एकत्रित कर लिया। उसी समय एक और व्यापारी आकर उसी आम के वृक्ष के नीचे रुका। ये व्यापारी उन सेठों को भली भांति जानता था। जब उसने आमों से लदा वृक्ष देखा और साथ ही इन्हें आमों का ढेर लगाकर बैठे हुए देखा तो उसका माथा ठनका। वो सोचने लगा कि गांव के करीब जिस आम के वृक्ष पर पके हुए आम लगे हुए हैं तो वो आम खाने योग्य नहीं होंगे। वे दोनों जैसे ही आम खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे तो वो व्यापारी जोर से कहने लगा, ठहरो, इन्हें मत खाना, ये विषैले आम हैं। क्या कहा? हाँ मित्रों, इन आमों में अवश्य कोई दोष है। तुम एक सौदागर होकर इतना भी विचार ना कर पाए? इतने बड़े गांव के पास पके हुए आम वृक्ष पर कैसे रह गए? इसके पीछे भी अवश्य कोई ना कोई चाल रही होगी। मुझे लगता है इसके आसपास अवश्य कोई छुपा हुआ होगा जो हमारी टोह ले रहा होगा। हाँ चलो, हम सब मिलकर पहले तो उस शत्रु को खोजते हैं जिसने फंसाने के लिए इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। फिर सभी व्यापारी मिलकर उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वे वृक्ष के पीछे गए तो दोनों को वहां छुपा हुआ देखा। अरे, तुम दोनों यहाँ छुपे हुए क्या कर रहे हो?
जरा बाहर निकलो। क्या है क्या है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? आम खाओ, देखो देखो कितने पके और रसीले आम हैं। भैया ये सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं, हमारा मन तो ये कहता है कि इन फलों को पहले आप खाकर देखो। हम कैसे खाएं? ये तो हाँ, अरे ठगो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ये सब विषैले आम है? मूर्खो, पके हुए आम को तो कोई बालक भी नहीं छोड़ेगा। इसका अर्थ तो सीधा साधा ये है कि ग्रामीणों को भी ये मालूम है कि इस वृक्ष के तमाम फल विषैले हैं। लेकिन तुम लोग ये सब? सुल्ताना की आवाज कांपने लगी थी, वो समझ गया था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। अरे देख क्या रहे हो पापियो, तुम इंसानों का खून करके केवल धन छीनते हो। मैं आज ही इस वृक्ष को नष्ट करवा दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। व्यापारी और सेठों ने मिलकर दोनों को पेड़ से बांध दिया। और पेड़ में आग लगा दी, जिससे पेड़ के साथ साथ दोनों पापी भी जलकर राख हो गए।